नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का यह वीडियो KBCL कंपनी के बारे में है और उन सभी KBCL कंपनी के निवेशकों के लिए एक जरूरी संदेश है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय विकास त्रिपाठी जी सभी कंपनियों के निवेशकों के लिए निरंतर लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। और साथियों, माननीय विकास त्रिपाठी जी ने बताया कि कुछ KBCL कंपनी के सीनियर जो कि नई कंपनी की लॉन्चिंग करने हेतु कानपुर के पनकी क्षेत्र में बैठक करने गए थे, पर वहीं पर कुछ निवेशक और कार्यकर्ता जिनका KBCL जो कंपनी थी जिसमें इन लोगों ने निवेश किया था और यही सीनियर इनको समझाने के लिए गए हुए थे और समझा बुझा कर कल्पतरु कंपनी में पैसा जमा कराया, आज उस कंपनी की कोई भी चर्चा न बैठक न कोई मुकदमा किया जा रहा है, जिसके विरोध में इन सभी लोगों ने सीनियरों का घेराव किया और 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया, जो कि बोलते थे बैठक में आने के लिए टाइम नहीं है और अपना ईगो समझते थे बैठकों में आने के लिए, पर आज थाने में बैठे रह गए लगभग 2 दिन। अब समय भी मिल गया है और ईगो भी खत्म हो गया है। तो मैं सभी कंपनियों के पीड़ित साथियों से और सीनियरों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना ईगो हटाकर और समय निकाल कर बैठक में आकर उचित विचार और सुझाव दें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, ताकि गरीब निवेशकों का पैसा सरकार के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से मिल सके। अपने जमीर को जगाएं और उन गरीबों के हित में कुछ करने से पहले ऐसा कार्य कर दें कि आपका नाम सदैव लिया जाए, नहीं तो नाम तो लिया जाएगा पर बुरे काम के लिए। बाकी सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। आने वाले रविवार 1 से 3 बजे के बीच में पल्स भवन माल रोड कानपुर में बैठक होगी, उसमें आए और सभी साथियों का मनोबल बढ़ाएं, नहीं तो आज उनके ऊपर हुआ है कल आपके ऊपर हो सकता है। नई कंपनी में जुड़ना अच्छी बात है, पर पुरानी कंपनी की समस्या को लेकर चले और एजेंटों की समस्या को लेकर चले। धन्यवाद, विकास त्रिपाठी कानपुर से। और साथियों, इस वीडियो में माननीय विकास त्रिपाठी जी ने KBCL ही नहीं बल्कि सभी निवेशकों को जरूरी जानकारी दी है, जिसे जान लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी कंपनियों के निवेशकों तक यह जरूरी जानकारी पहुँच जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि PACL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। कानपुर से 29 तारीख को गंगागंज के जिनको वाटिका में एक कल्पतरु की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो वहाँ के सीनियरों द्वारा किया गया था और जिसमें करीब कई डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए थे और 200 आदमी करीब इकट्ठा हुए थे वहाँ पर और बातचीत हो रही थी। उसी दौरान एक महिला एजेंट वहाँ पर आई और ये बताया कि वहाँ पर हमने 1 लाख रुपये हमारा एस एन मिश्रा जी के द्वारा जमा करवाया गया था बंद कंपनी में और वो जमा करवा दिया, हमारी लड़की शादी थी, हमारा पैसा फंस गया और ये फोन नहीं उठाते हैं और वो पैसा पहले कैसे कब निकलेगा, दूसरी कंपनी को चालू करना है। ये समस्या उसने उठाई और 100 नंबर पुलिस को बुला करके आ गई, पुलिस आ गई पनकी से और वो फिर आए, वहाँ का SI आया, उसने बोला वहाँ थाने आइए, वहीं बातचीत। तो जब वहाँ थाने पहुँचे, वहाँ के सीनियर वो लोग और पांडे जी जो बॉम्बे से आए हुए थे, राजनाथ सिंह, एस एन मिश्रा जी को तो वहाँ बैठा ले रहे, कल तक उनको वहाँ बैठा ले रखा गया था, कल शायद जमानत वगैरह करवा करके उन लोगों को छोड़ा गया। विकास जी को फोन के लिए बोला गया था, वहाँ से खबर दी गई थी, किया गया था, मिश्रा जी ने कहा था विकास त्रिपाठी बोलवा लें, जब आपको फोन किया गया, आपने जब हमसे संपर्क किया तो मैंने कहा मैं भी वहीं पर हूँ, जिन टाइम में मौजूद हूँ, लेकिन इस व्यवस्था का समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग सक्रिय थे नहीं, वहाँ के लोगों से हमने कहा सदस्यता फार्म अपना भरिए और साथ में हमारे साथ जुड़िए, चूँकि आप लोगों का बैनर हमारे में नाम चल रहा है। तो काफ़ी कुछ लोग कल वो तैयार हुए थे कि आने के लिए आज, लेकिन आज अभी कोई दिखाई नहीं दिया आया होगा, कल आने आज बोला था कि हम लोग आएंगे वहाँ से फ्री होंगे और फिर सपोर्ट करेंगे और जिससे हम लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था ऐसे मिले जैसे PACL में लोगों के साथ। तो जो ये कार्यक्रम हुआ था
क्या केबीसीएल के समाधान के लिए हुआ था कि कोई नई कंपनी को फार्मेट वहाँ पे प्रमोट करने के लिए कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, उसी के बैक से वो कह रहे थे कि इस केबीसीएल का समाधान भी निकलेगा पीछे से, कैसे कि यहाँ पर जमा होगा उसी रास्ते से धीरे धीरे हम पिछला पैसा पेमेंट करेंगे। तो जो ये नई कंपनी बन रही है क्या ये मतलब सामान वाली मार्केटिंग कंपनी थी? हाँ, कि हाँ, रियल एस्टेट कंपनी थी? एफएमसीजी सब टाइप का प्रोडक्ट बता रहे थे कि हमारे पास जो उसमें चलाएंगे। तो ये कैसे फिर पैसा कैसे निकलेगा वहाँ के केबीसीएल का पेमेंट कैसे होगा? उसके माध्यम तो कह रहे थे कि वहाँ से कुछ फिर जमीने मिलने भी बिकेंगी वहाँ की, धीरे धीरे हम उस समय अपना वहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब कि राजनाथ सिंह के साथ में राणा जी भी मिले हुए हैं? हाँ बिल्कुल मिले होंगे, तब तो राजनाथ सिंह के साथ राणा मिले नहीं हो सकता नहीं मिले हो, लेकिन वो जो पांडे जी आए थे जी बॉम्बे से जी उनके साथ तो संपर्क में संपर्क में है। तो पांडे जी किस रैंक पे क्या है वहाँ पे कंपनी में कार्यकर्ता है? डायरेक्टर हैं कंपनी के, क्या डायरेक्टर हैं ये सारे। भाई देखिए बिना कंपनी का अगर हम एफएमसीजी का सामान लेते हैं और केबीसीएल का भुगतान कैसे हो जाएगा वो ये सोचने का विषय है, क्योंकि बिना क्योंकि राजनाथ सिंह के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। एक सीनियर थे फील्ड के सीनियर थे, उनका तो प्रयास यही है कि जो फील्ड के साथ फंसे हुए हैं तो उनका प्रयास है कि हम कंपनी के लोगों। प्रदीप जी इस वीडियो के माध्यम से आप उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जो सीनियर आज भी दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हैं और विकास त्रिपाठी को बोलते हैं समय नहीं है, उन सीनियरों को क्या संदेश देंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज अभी भी समय है, वक्त है कि सभी लोग आकर के एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने सारे निवेशकों का पेमेंट जैसा है उसको निकलवाया जाए। नहीं तो समय बहुत लगेगा और जिस जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उसका रीजन है कि यहाँ पर जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है अपने यहाँ पर, और वो सक्रिय इसीलिए हुए कि जो अभी एक अपने यहाँ लोक सेवा दल का गठन किया गया, पार्टी का गठन किया गया, ये अंत में किया गया जब लास्ट में अपनी मजबूरी थी कि कहीं से कुछ हुआ नहीं, कि हम लोगों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष और सभी के साथ पास जा करके यानी 25 नवंबर को जो दिल्ली में गए थे उसके बावजूद यहाँ पर कोई खास नहीं निकल सका, तो अंत में ये लोक सेवा दल का गठन किया जाना उचित था और ये यही सही है। पर कुछ लोग कह रहे हैं विकास त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के मारे अगर आवश्यकता पड़ी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव विकास त्रिपाठी के और भी जो लोग सक्रिय सदस्य बनेंगे वो भी लड़ेंगे, तो अगर वो नहीं लड़ते क्या तो चुनाव लड़ना हम लोगों के लिए सही है कि गलत है? कोई भी चीज गलत नहीं, अगर हमें हमारी व्यवस्था अगर क्या हमारे सांसदों ने कभी हमारी आवाज को उठाया है? नहीं उठाया, चाहे वो भोले जी हो चाहे जोशी जी हो चाहे वो सत्ता पर, तो क्या पुनः हमें भाजपा को वोट देना चाहिए? देना चाहिए। क्या कांग्रेस को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इसीलिए हम लोग को जो लोक सेवा दल बना इसका समर्थन करना चाहिए और सभी लोगों को इसका यहाँ आई हुई जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोक सेवा दल के साथ में हैं कि भाजपा के साथ में हैं कि कांग्रेस के साथ में हैं? लोक सेवा दल के साथ में हो तो कृपया करके अपना अपना हाथ उठाए। संघ लोक सेवा दल सभी लोग भारतीय लोक सेवा दल के साथ में हैं। धन्यवाद प्रदीप जी। भारतीय लोक सेवा दल की भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा वापस करो, मोदी सरकार पैसा वापस करो, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस करो, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस करो, पहले भुगतान फिर मतदान, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस करो, पल्स कंपनी का पैसा वापस करो। एनडीएल से निवेदन है रास्ता लेते जाए साथियों, अरुण जेटली मुर्दाबाद,
अरुण जेटली मुर्दाबाद, अरुण जेटली मुर्दाबाद, विकास पार्टी संघर्ष करो, 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 विकास पार्टी गाड़ी वाले भैया रोका जाना गाड़ी, विकास पार्टी संघर्ष करो, गाड़ी रोक लो भैया, गाड़ी रोक लो, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस दो, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस दो, पीएसएल कंपनी का पैसा वापस दो, पीएसएल कंपनी का पैसा अभी से अगलाई है, अभी से अगलाई है, पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, पीएसएल का पैसा वापस दो, 30 करोड़ जनता की आवाज सुनो, 30 करोड़ ग्राहकों की आवाज सुनो, मोदी सरकार जागो जागो, मोदी जागो, मोदी जागो, पीएसएल का भुगतान करो, लोहिया कमेटी मुर्दाबाद, सेवी कमेटी मुर्दाबाद, लोहिया कमेटी मुर्दाबाद, पीएसएल का भुगतान करो, पीएसएल का भुगतान करो, पीएसएल का भुगतान करो, पीएसएल का भुगतान करो, पंच कंपनी का पैसा वापस दो, पंच कंपनी का पैसा वापस दो, पंच कंपनी का पैसा वापस दो, साई प्रसाद का पैसा वापस दो, साई प्रसाद कंपनी का पैसा वापस दो, साई प्रसाद कंपनी का पैसा वापस दो, पीएसएल 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 कंपनी का पैसा वापस दो, भाई नारा थोड़ा जोर से लगाओ भाई, अरे भैया पीछे वाले नहीं बोलते तो हम क्या करें, अरे पीछे वाले उनको पीएसएल का पैसा वापस करो, पीएसएल का पैसा वापस करो, पीएसएल का पैसा वापस करो, गाड़ी आएंगे इसका ये सफारी के आएंगे, रोक लीजिए गाड़ी, सफारी के आएंगे गाड़ी रोक लीजिए, सुजान मतलब गाड़ी रुकवा रहे हैं, मैं मसानपुर में रहता हूँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे विकास त्रिपाठी जी जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं लोगों की पेमेंट के लिए, एक कंपनी नहीं सभी कंपनियों के पेमेंट के लिए, आदमी इनका साथ यहाँ पे मुंह पे कहता है, फोन करता है कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा कहना सिर्फ यही है कि इनके साथ वाकई में साथ में रहें, इनका साथ बीच बीच से ना छोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ अपने पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जितने निवेशक हैं सभी के लिए ही लड़ रहे हैं, अगर किसी का कोई पैसा मिल जाएगा तो कोई इनको दान नहीं दे जाएगा, किसी को 1 लाख मिल जाएगा कोई इनको 1 रुपया देने नहीं आएगा, लेकिन ये लड़ रहे हैं सभी के लिए, तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि इनका साथ बनाए रखें, इनके पीछे लगे रहें, इनको छोड़े नहीं, बीच मतदान में कहीं भी इनको छोड़े नहीं, और साथ में इनके लगे रहें, धन्यवाद। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि पीएसएल और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।